गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में भी एक टॉपिक जो है जो हम बहुत यूज़ करते हैं वो होता है चेन रूल। हाँ, तो चेन रूल के थ्रू जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो मैं आज करना आपको सिखाऊंगा, और मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि इसके बाद अगर चेन रूल हमें आ जाता है तो ये सोच लीजिए कि डिफरेंशियल का 50% पार्ट हम लोग अच्छे से कर सकते हैं 12th का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक पार्ट जो हमने 11th में पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, सबसे पहले तो मैं वो लिखना शुरू करता हूँ, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हम लोग डिफरेंशियल का वो पार्ट लिखना शुरू करते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है। तो चलिए, मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, तो आप लोगों को पता है साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। फिर हमने लिखा डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। आपको ये अच्छे से याद है, लेकिन एक बार मैं रिपीट करने के लिए इसे लिख रहा हूं कि टेन एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशियल ऑफ कॉटेक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हमने देखा डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशियल है आप लोगों को भी पता होगा, सेक एक्स टेन एक्स। हाँ, और डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक एक्स, तो वो आता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, फिर हमने लिखा डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये तो कई बार करते हैं, और डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। हमने इससे आगे बढ़े और दो डिफरेंशियल मुझे लगता है कि और लिखना चाहिए मुझे, डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, और डिफरेंशियल ऑफ log x का लिख देते, तो log x इज इक्वल टू कितना, 1/x। ये वो डिफरेंशियल है जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा और बहुत अच्छे से इसे अगर आप याद कर पाते हैं या आपको आता है तो फिर इजी पार्ट हो गया, है ना। तो चलो अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हम ये देखेंगे कि अब कौन कौन सा पार्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कभी ऐसा हुआ आपने कुछ डिफरेंशियल और भी पढ़े हैं, जैसे डिफरेंशियल ऑफ, अगर बाय द वे यू इंटू वी का हमने डिफरेंशियल देखा था तो पिछले साल होता था फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा। हाँ, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई रूल लगता था तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, दूसरे का क्या करते थे, डिफरेंशियल प्लस दूसरा जैसे का वैसा और फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये मुझे एक पार्ट और बताना था, और एक पार्ट और यहाँ से अपन आगे बढ़ जाते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर जैसा का वैसा। देखिए मैं वी स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, मुझे पता होता है कि अगर जो डिवाइड में लिखा है उसे यहाँ एज इट इज रख देते याद रखने के लिए, है ना। तो यू डैश माइनस यू जैसा का वैसा वी डैश, तो मैं कभी भी यू अपॉन वी रहता तो वी स्क्वायर पहले लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में और फिर मैं वी वैसा ले आता हूँ। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने देखा जो हमारे पास में इसको मल्टीप्लीकेशन रूल और डिवाइड वाला डिफरेंशियल का रूल है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से अगर हम देखें तो मैं आपको जो समझाने वाला हूँ चेन रूल समझाने वाला हूँ। तो मैंने लिया y इज इक्वल टू log साइन एक्स, क्या होता है कि अब चेन रूल के थ्रू अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे, मुझे है ना dy/dx ही लिखना है, y को x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन इसका तरीका बदल दिया, क्या dy/dt और dt/dx। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन यह है कि हमें है ना log x का डिफरेंशियल तो पता है, log x अगर होता तो 1/x लिख दिया होता, लेकिन इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर sin x लिखा हुआ है।
मतलब वो एक अलग फंक्शन है। तो मैंने क्या करा, इस पूरे पार्ट को जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ साइन एक्स को मैंने, क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। फिर जो वाई हो गया वो किसके बराबर हो गया बेटा, वो हो गया लॉग टी के बराबर, क्योंकि साइन एक्स को टी मान लिया तो ये साइन एक्स के प्लेस पर टी रख दिया, तो ये हो गया लॉग टी हो गया। अब मैं चेन रूल के थ्रू इसे सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने करना तो मुझे डीवाई बाई डी एक्स ही है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप देखें तो डी टी से डी टी आप कैंसिल हो जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स ही है ये कुल मिला के, है ना, वही है। लेकिन हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसे अब सॉल्व करने का तरीका मेरा बदल गया और मैंने लिखा वाई, तो वाई को क्या लिख दूं, लॉग टी, लॉग टी। और हमें पता लॉग एक्स का डिफरेंशियल आता है, तो लॉग टी का भी डिफरेंशियल वैसे ही 1/x आ जाएगा। और फिर मैंने लिखा डी ऑफ डी एक्स, टी टी मतलब क्या, तो मेरे पास में है साइन एक्स। अब बड़ा इजी पार्ट है कि अगर बाय द वे टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो लॉग टी का डिफरेंशियल कितना हो गया बेटा, 1/t, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं तो मेरे पास में 1/t का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/t किसे लिखा था, साइन एक्स को लिखा था, और ये जो पार्ट रहा वो क्या आ गया, कॉस एक्स, मतलब मेरा आंसर जो आया वो आ गया कॉट एक्स आ गया। समझ में आया, ऐसा है कि हमने जो हमें फंक्शन दिया उसमें एक कंबाइंड फंक्शन है, एक के साथ एक फंक्शन लगा हुआ है, तो उसमें से एक पार्ट को टी मान लेते हैं, तो पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसे टी माना फिर उसे डिफरेंशिएट कर दे। जब इतना बड़ा पार्ट कोई लिखता है तो आधी चीजें तो हमें समझ में नहीं आती कि यार ये क्या लिखा है। अब इसी पार्ट को मैं एक बहुत, मतलब यही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि आप बोलोगे कि हाँ यार ये हमें आ गया, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्मेट के साथ में करूंगा यही पार्ट, हाँ, लेकिन आपको समझाने का तरीका बदल दूंगा। जैसे मेरे पास लिखा y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो मुझे पता है कि भैया लॉग पूरा फंक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है वो साइन एक्स को टी मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, साइन एक्स को टी मान लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं डीवाई बाई डी एक्स करूंगा तो सबसे पहले इसे अगर मैंने टी मान रखा है तो लॉग टी का डिफरेंशियल 1/t, 1/t मतलब क्या, टी किसको माना था, साइन एक्स को, तो लॉग टी का 1/t साइन एक्स को टी माना, दिख ही रहा आपको साइन एक्स को टी माना, और फिर टी का डिफरेंशियल, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कर दिया तो कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो यह अगर देखा जाए तो ये दो लाइनों में हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, फिर से करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, वाई इज इक्वल टू, मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। अच्छा, लॉग एक्स होता तो 1/x लिख देता, पक्की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है उसे मुझे कुछ सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग फंक्शन हो गया, लॉग ये पूरा फंक्शन है नहीं, इसे मैंने क्या मान लिया, इसे मान लिया टी। क्या मान लिया, टी। तो आप देखें, अच्छा डीवाई बाई डी एक्स को अपन वाई डैश भी लिख देते, तो जब मैंने इसे टी मान लिया तो लॉग टी हो गया, लॉग टी का डिफरेंशियल कितना, 1/t, और ये जो बना इसका टी का डिफरेंशियल करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो आपको आता है, तो वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक एक्स कट गया, डिवाइड आंसर कितना आया, 2/x। और एक देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और वो क्वेश्चन हमारे पास में जो आएगा वो हमने देखा यहां से, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या इसी पार्ट पे देखते हैं। देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने बोला tan एक्स क्यूब, हाँ अभी मुझे ये लगा तो मैंने tan एक्स क्यूब ले लिया। आप मुझे बता सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, जब तक मैं कुछ लिखूं उसके पहले आप लोग ये सोच सकते हैं कि यार इसमें करने वाले कुछ नहीं है, ये एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो पक्का एक्स क्यूब को टी ही मानना है। तो आपको वाई डैश जब मैंने लिखा तो
टेन टी का क्या हो जाता है भैया, सेक स्क्वायर, टी किसे माना है, एक्स क्यूब को, तो मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, और डिफरेंशियल किसका कर दूं, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करा तो क्योंकि देखो सेक स्क्वायर टी, ये टी अपन ने इसी माना था, और एक्स थ्री इसका एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करा तो कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर, सिंपल। एक आध को पार्ट और ले लूं मैं, तो मैंने लिया यहां से ले लिया y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स। जब तक मैं क्वेश्चन को देखूं, उसे कुछ करने की कोशिश करूं, तब तक आप लोग ये बता सकते हैं मुझे कि मुझे t किसे मानना है। तो मैंने t जिसे माना वो माना है साइन एक्स को, किसे t माना, साइन एक्स को मैंने t माना। तो जैसे मैंने साइन एक्स को t माना, तो ये जो मेरे पास में आया वाई डैश, डिफरेंशियल ही कर देता हूं, तो ये क्या हो गया, e टू द पावर t हो गया। e टू द पावर t का डिफरेंशियल क्या होगा, e टू द पावर t, इसका मतलब e टू द पावर साइन x ही लिखूंगा। इसे क्या माना है बेटा, t, तो e टू द पावर t का डिफरेंशियल क्या हुआ, e टू द पावर t, और फिर किसका डिफरेंशियल करूंगा मैं, उसके बाद में डिफरेंशियल करूंगा t का, t मेरा क्या है साइन x, तो मेरे पास आंसर आया y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x। वो साइन x का जब मैंने डिफरेंशियल करा था तो वो कितना आ गया था, cos x, ठीक है। और क्वेश्चन लेता हूं, ये पार्ट ऐसा है कि अगर आपको आने लग गया, इसलिए मैं इसे बार बार इस पे कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझा दूं। कैसे, मैंने यहां एक क्वेश्चन और लिया, मैंने लिखा y इज इक्वल टू लिखा अंडर रूट कॉटेक्स, क्या लिख दिया, अंडर रूट कॉटेक्स। जो मैं पढ़ाता हूं उसके साथ कुछ बच्चों को है ना छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म भी सिखा देता हूं, कैसे कि अगर बाय द वे आज के बाद आपके पास में रूट एक्स का डिफरेंशियल आए, रूट एक्स का डिफरेंशियल, तो आप हमेशा उसे क्या लिख दो, 1/2 √x, हाँ 1/2 √x लिख दो। क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशियल ऐसे ही होता है ना बेटा, डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर -1/2 तो आएगा कितना, सॉरी 1/2 + 1/2 तो आएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1, इसका मतलब आएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये पावर नीचे जाएगी तो x टू द पावर 1/2 यानी नीचे जो आएगी पावर वो प्लस में रूट एक्स आ जाएगी। आज के बाद ये पार्ट आप लोग याद रख लो क्या, कि रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 √x, अगर इतना याद आपने रख लिया तो यू मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे ना वो आपके आधे एफर्ट्स में खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है। मैंने क्या करा कि अब जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भैया रूट तो है, लेकिन मुझे इस कॉटेक्स को क्या मानना पड़ेगा, कॉटेक्स को मानना पड़ेगा टी। अरे कॉटेक्स होता तो मैं डिफरेंशियल कर देता, लेकिन रूट भी तो है, इसलिए उसमें चेन रूल हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ठीक है। तो मैंने लिखा वाई डैश, डिफरेंशियल करा, अभी आपको समझाया रूट, ये इसको क्या मान लूंगा, इसे मान लिया टी, तो क्या हो गया रूट टी हो गया, क्या हो गया रूट टी। रूट टी का डिफरेंशियल कितना, 1/2 √t, और फिर टी का डिफरेंशियल, टी किसे माना बेटा, हमने माना है कॉटेक्स को टी, तो मेरे पास आया वाई डैश इज इक्वल टू 1/2 √cotx, कॉटेक्स, और कॉटेक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, -cosec²x, सिंपल सा। जो छोटे छोटे पार्ट आपको पता है उसी के बेस पे मैंने चेन रूल अप्लीकेबल कर रहा हूं, करेक्ट है। अरे छोटे छोटे से पार्ट है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मेजर पार्ट नहीं है कि जिसको मैं बहुत ज्यादा आपको डीप में जाके समझाऊं, यानी मैं जो समझा रहा हूं आपको, जितने भी क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूं उसमें सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप टी किसे मानेंगे, है ना। तो हमने मान लीजिए हमारे पास में आ गया कि वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, हमें ऐसा दे दिया, तो क्योंकि अब टी किसे माने, अरे टू को तो टी आप ऐसे ही नहीं मानने वाले, है ना, टू तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, तो आप इसे लिखने का तरीका बदल दो, साइन एक्स का
होल स्क्वायर लिख दो आप तो। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम टी किसे माने, तो आप टी इस पार्ट को टी मान लो, साइन एक्स को क्या मान लिया टी, तो टी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया टी स्क्वायर। तो हमने वाई डैश करा तो टी इस टी टू द पावर टू का टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा टू टी। टी किसे माना है वो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। ऐसे करो, चार क्वेश्चन लिख लो, उसे सॉल्व करो, आपको ऐसे आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने करा यहां से टू टी, क्योंकि टी स्क्वायर था तो उसका टू टी आ गया, तो टू टी, और फिर टी का भी तो डिफरेंशियल करना है बेटा। तो हमने किसका डिफरेंशियल करा, साइन एक्स का डिफरेंशियल करा, तो मेरे पास आ गया टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स। अगर कुछ ज्यादा ही लिखना है तो इसे साइन टू एक्स लिख दो, हाँ टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप ऐसा ठीक है। अगर बाय द वे यहां से एक क्वेश्चन और बनाए, हम मन से सोच सोच के बना रहे, कोई नया पार्ट नहीं, कभी मान लीजिए हमको ऐसा दे दिया वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जरा मैं एक मिनट का पॉज लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जिन बच्चों ने ध्यान से पहले देखा कि अरे यार ये करने वाले कुछ नहीं है, ये जो अंदर जो लिखा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी मानने वाले, और क्योंकि अगर इसे टी मान लिया तो ये रूट टी का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट टी लिखने वाले हैं, इससे ज्यादा ये कुछ लिख नहीं सकते। पक्की बात है, इससे ज्यादा मैं लिखूंगा भी क्या। और क्या बोला कि डिफरेंशियल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, हाँ टी का डिफरेंशियल करेंगे ना, जिसे टी माना उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारे पास आएगा क्या भैया, वाई डैश इज इक्वल टू डिवाइड टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अगर इसका डिफरेंशियल, तो आपको तो प्लस का पता ही है, इलेवेंथ से पता है कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल, तो ये वाला पार्ट ए स्क्वायर का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा टू एक्स। अच्छा अपना जो आंसर आएगा तो जीरो, जीरो से कोई मतलब नहीं है, टू से ये टू कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है कि इतना पार्ट बहुत है, है ना, मतलब आपको समझ में आने लग गया होगा। अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ज्यादा ही करवा रहे, है ना, ना मैं है ना इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा जो थोड़ा स्लो लर्नर हो मेरी तरह, तो पता चले कि अगर बाय द वे वो धीरे से उसे आता हो, तो दो चार क्वेश्चन में और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं अभी दो फंक्शन के साथ में। जैसे जैसे मैं मतलब ये टू है ना, इसमें सिर्फ टी मान रहे, किसी में यू भी मानेंगे पर उसमें भी मैं यू नहीं मानूंगा, सिर्फ टी मान के ही मैं सॉल्व करने वाला हूं। जैसे मेरे पास लिखा वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा बेटा साइन टू एक्स, ये बहुत आएगा अपने को, साइन टू एक्स बहुत आएगा, कॉस टू एक्स बहुत आएगा, कॉस थ्री एक्स बहुत आएगा, पर वहां पर भी याद रख लो, वैसे तो फार्मूला ही बना देते हैं, है ना। देखो मैं बताता हूं, तो क्या होता है कि ये आप टी किसे मानोगे, तो क्योंकि सर टी किसे मानना है टी, तो इसे मान लो, मन ही मन इसे मानो मन में, क्योंकि वो चेन रूल लगाओगे तो आप इतना बड़ा लगाओगे और आप अपनी समझ में कुछ नहीं आना है ना। तो हमने ऐसा देखा कि मैंने बोला साइन टी, तो वाई डैश डिफरेंशिएट करें, साइन टी का क्या हो गया बेटा कॉस टी, ठीक है कॉस टी आ गया, और फिर टी का डिफरेंशियल टू एक्स का डिफरेंशियल कितना आ गया, ना ना ऐसा लिख दू डिफरेंशियल ऑफ टू एक्स, तो ये जो मेरे पास में आया वो वाई डैश इज इक्वल टू आ गया कॉस टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशियल टू, यानी डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया टू कॉस टू एक्स, हाँ है ना। अच्छा आज के बाद पता चले हमारे पास में ऐसा डिफरेंशियल आ जाए, क्या आ जाए साइन एम एक्स, तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा एम कॉस, साइन का कॉस एम एक्स आ जाएगा। इसे हटा देता हूं, थोड़ा सा अलग गलत लिख दिया, क्या लिख दे बेटा m, और क्या लिख दे cos mx, ठीक है इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मान लीजिए अगर मेरे पास में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, आहा इतने से पार्ट में मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं, आपने थोड़ा ध्यान देना है बेटा, y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया tan 3x, क्या लिख दिया बेटा tan 3x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने हमने 3x को क्या मान लेंगे t, जो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि यार ऐसे ही लिखते हैं, तो dy by dx फिर क्या tan 3x का tan t का sec square t, और फिर t का 3x का डिफरेंशियल कितना होगा
थ्री, मतलब वो मल्टीपल में आ जाता, मान लीजिए 3x है या ऐसा, करेक्ट है। तो मैं आपके लिए एक मिनट के लिए छोड़ता हूं, उसके बाद में मैं इसे तीन पार्ट पे। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम अभी जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चेन रूल, और चेन रूल का जो पार्ट, चेन रूल का जो पार्ट पढ़ रहे थे वो अभी हम दो फंक्शन ले रहे थे। आपने देखा कि मैं जब लिखता था तो मैं चेन रूल में यहां से जो लिख रहा था वो ऐसा लिखता था, y इज इक्वल टू log x, क्या लिखता था, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर। तो उसका हमने करा था। अब तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छे से आने लग गया होगा, क्योंकि सर कुछ को t मान लोगे और y डैश इज इक्वल टू लिख दोगे log t, और x स्क्वायर का कितना डिफरेंशियल कर दोगे, t का डिफरेंशियल कर दोगे 2x। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन x आंसर आया, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये पार्ट आप लोग करने वाले हो, इससे ज्यादा आप कुछ करने वाले हो नहीं। तो हाँ, इन पार्ट में मैं इतना ही करने वाला था, लेकिन अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते, एक स्टेप अहेड चले जाते हैं। हमारे पास में आया log साइन एक्स क्यूब, पहले क्या था, log साइन x था। इस बार मैंने कितने फंक्शन ले लिए, एक तो log हो गया, एक क्या हो गया साइन हो गया, तीसरा क्या हुआ एक्स क्यूब हो गया। तो हमने क्या करा, हम सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, हाँ, और सीखने पे पक्का आ जाएगा, पक्का। हाँ, और अगर ये पार्ट आ गया आपको तो आप सभी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं जैसे पहले आपको बताया था कि टी मानना है ना, तो आपको पता है कि सर अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे है ना, इसमें जो अभी पहली बार में आता ना वो तो हमें लॉग टी का फंक्शन ही आता है, log t का 1 upon t लिख देंगे। तो मनी मन आप ये सोचो कि इस पूरे पार्ट को sin x क्यूब को आप t मान लो। मैं चेन रूल तीन पार्ट में लगा के बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि आप ऐसे करने वाले भी नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से मतलब नहीं, अपने टास्क को इजी बना लेते हैं। क्या भैया इसको t मान लो, तो क्योंकि सर इसका डिफरेंशियल आपने जो सिखाया उसके हिसाब से log t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log t इज इक्वल टू 1 upon t, तो क्योंकि टी लिख दिया, ये टी माना ना तुमने, तो इस पार्ट को हमने टी मान लिया। और फिर डिफरेंशियल किसका करते हैं, तो क्योंकि फिर डिफरेंशियल करते हैं टी का, किसका डिफरेंशियल करते हैं टी का, तो जिसे टी माना उसे रख दो। अब समझे, क्वेश्चन वही है। अच्छा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन बन गया नया, ये क्वेश्चन क्या बन गया नया, और इस पार्ट में एक्स क्यूब को क्या मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन अपन करते थे, क्योंकि इसके पहले वही तो समझाया आपने। तो ये हमारे पास में जो आ गया, हमने अगर उसे टी माना, तो क्योंकि ये पार्ट तो हो गया साइन एक्स क्यूब, हाँ, अब इसका डिफरेंशियल करते। अब देखो, इसको टी मान लिया, मतलब हम मन में मान रहे, इसे यू मान के भी कर सकते, पर कहे टी यू माने, हमने मन में तो कर रहे हैं, तो हमने माना साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशियल आ गया कॉस टी, टी मतलब एक्स क्यूब, क्योंकि इसे टी माना, और फिर डिफरेंशियल करेंगे टी का, तो एक्स हमारे पास में आंसर आएगा 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, और क्या बेटा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर आएगा ना। थोड़ा अच्छे से अगर मैं लिख के बताऊं, मुझे ऐसा बताना है कि अरे वाह मैंने कितना बढ़िया लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा अरे यार ये भी क्यों लिखा, हाँ, cos upon sin, यानी कितना cot cube x। क्या करा, पार्ट वही था, पार्ट वही है, कुछ नहीं, हमने अगर तीन पार्ट थे तो पहले दो पार्ट का पूरा कॉम्बिनेशन टी मान लिया, उसे सॉल्व कर लिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर नया क्वेश्चन बना, वो तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही करा हुआ था। एक पार्ट और उठाते हैं, देखो हम कोशिश और करते हैं कि यार ये वाला पार्ट अभी ऐसा हो सकता है कि पहली बार मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा पार्ट फिर भी रह गया हो, कि सर पल आया तो है समझ में पर उतना नहीं आया है ना। तो फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू लिखा e टू द पावर 10x स्क्वायर लिख दी। अब आप देखो कितने फंक्शन, e 10 और एक्स स्क्वायर, फिर तीन आ गए। तो हमने यहां से सॉल्व करा, और किसी बच्चे से अगर पूछा जाए कि यार इसे सॉल्व कैसे करना, क्योंकि सर इसको है ना आप e टू द पावर x का e टू द पावर x आएगा, तो क्योंकि इस वाले पार्ट को आप क्या मान लो
टी मान लो, क्योंकि अकेले टेन एक्स स्क्वायर को मानोगे तो ई तो फिर बच जाएगा ना, तो हमने इस वाले पार्ट को टी मान लिया। तो हमने देखा वाइडेश, वाइडेश इज इक्वल टू, इसको माना टी, तो ई टू द पावर टी का डिफरेंशियल क्या आया, ई टू द पावर टी ही आया। और फिर डिफरेंशियल किसका करोगे बेटा, टी का, इसका मतलब टेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करने वाले हम लोग, पक्का डिफरेंशियल किसका करने वाले हैं, टेन एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब ये दो फंक्शन में तो हमको क्योंकि पता है इसको आप क्या मानोगे, टी, पक्का। तो मैंने देखो इसको तो अभी मैं लिख दूंगा, यहां से मैंने करा डिफरेंशियल ऑफ टेन, टेन टी का क्या होता है सेक स्क्वायर, रुको यार हाँ मैं जरा पता चले, मैं फिर से पूरा लिखता हूं, e टू द पावर टेन एक्स स्क्वायर है ना, फिर मैंने इसे t माना, तो t माना तो टेन t का डिफरेंशियल कितना हो गया sec स्क्वायर t, t मतलब कितना x स्क्वायर, और t किसे माना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल आ गया 2x। छोटा छोटा सा पार्ट करो, दो चार क्वेश्चन तो फ्लो में आने में लगेंगे है ना भाई, अब पता चले कहीं आप अरे यार सर ऐसा कैसे कर दिया, दो चार क्वेश्चन करेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, भाग के जाना कहाँ है उसे। नया क्वेश्चन देखते हैं, मन से एक नया क्वेश्चन हम उठाते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मन से बना लिया हमने, बनाया वाई इक्वल टू अंडर रूट लॉग टेन एक्स बना दिया, क्या बना दिया लॉग टेन एक्स, तो अभी ले लिया था लॉग एक्स टू द पावर फोर ले लेते, चलो हटा एक्स टू द पावर फोर ले लेते, हमें तीन पार्ट बने। अच्छा इसमें भी तीन पार्ट है, ये अंडर रूट फंक्शन है, ये लॉग है और ये एक्स टू द पावर फोर है। मैंने तुम्हें याद करवाया था, एक बार और लिखना पड़ेगा, हो सकता किसी बच्चे कोई बच्चा भूल गया हो, मैंने रटवाया था आपको कि रूट एक्स का डिफरेंशियल आप याद कर लो वन अपॉन टू रूट एक्स, याद कर लो अभी याद कर लो। हाँ जैसे याद करा मतलब आधी पार्ट तो हमारा क्वेश्चनों का वैसे ही सॉल्व हो गया, बताओ कैसे, क्योंकि मन में मैंने क्या करा, इसे माना है टी, क्या माना है टी माना ना, जब मैंने इसे टी माना है तो मेरे पास में आ गया, ये आ गया अंडर रूट टी, रूट टी, तो रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी, टी मतलब log x to the power 4, और फिर डिफरेंशियल किसका करना है बेटा t का, इसका मतलब log x to the power 4 का डिफरेंशियल करना है। जिस बच्चे को ये रूट टी आ गया तो उसको सारा कुछ नहीं लिखना, उसने तो सीधे वहां से उठा के लिख देना वन अपॉन टू रूट टी, हाँ तो वो लिख दिया, जैसे हमने वो लिखा उतना पार्ट जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास में क्या हुआ, मुझे लिखने का एक पार्ट मिल गया कि वाइडेश इज इक्वल टू वो जो लिखा है वन अपॉन टू रूट लॉग एक्स टू द पावर फोर, क्योंकि वो तो ठीक है भैया। अब जो है अब अगर लिया जाए तो जो मेरे पास में ये जो पार्ट है उसके अंदर टी किसे मानूंगा, तो मैंने टी माना एक्स, ये एक्स टू द पावर फोर लिखा है ना, तो लॉग एक्स टू द पावर फोर, तो टी किसे माना एक्स टू द पावर फोर को, तो क्या आ गया लॉग टी का डिफरेंशियल, लॉग टी का डिफरेंशियल आ गया वन अपॉन टी, यार ये x to the power 4 है हाँ, वो थोड़ा सा चेंज हो गया x to the power 4, तो 4 फिर ये क्या हो गया log t का डिफरेंशियल 1 upon और x to the power 4 का आ गया 4x cube, ठीक है कुछ कैंसिल कर देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सर वो कैंसिल ऐसा तो कर लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझना है कॉन्सेप्ट, यहाँ हमने t माना, किसे इस वाले पार्ट को टी माना, तो वन अपॉन टू रूट टी, तो टी का डिफरेंशियल करा, तो टी का डिफरेंशियल करा तो क्योंकि उसके अंदर दो फंक्शन आ गए, तो दो फंक्शन आ गए ना, आने दो ना, उसमें भी एक टी मान लिया ना, एक्स टू द पावर फोर को क्या मान लिया टी मान लिया, तो लॉग टी का डिफरेंशियल कितना होगा वन अपॉन टी, और इसको भी जब टी माना था तो उसका भी तो डिफरेंशियल होगा। ये हमारे लिए आप अगर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करो ना तो इसे नया पार्ट मान लो कि ये एक छोटा सा नया क्वेश्चन मिल गया टू पार्ट में, ठीक है। मैंने एक आध क्वेश्चन और लिखता हूं, जरा एक मिनट बाद लिखता हूं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हम लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारी बुक में है और जिन्हें हमें बाद में सॉल्व करना है, ठीक है ना।
तो मैं देखता हूं और अब वन बाय वन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ क्वेश्चनों को जाके देखेंगे ना एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज में, तो आपको मिलेगा, है ना। तो मैं इसमें से सिंपल से पार्ट जो अभी अपन ने जो सीखा है उसके बेस पे मैं आपको बताता हूं, और अगर आप समझदार है तो आपने पहले ही पता लगा लिया कि यार ये है ना सर, इसको आप, क्योंकि ये दो फंक्शन है तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप क्या मानोगे, टी मान लोगे। तो आप होगा वाई डैश इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशियल होगा कॉस टी, क्या होगा कॉस टी, और फिर टी का डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये आएगा वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस 2x प्लस कितना, अरे सॉरी हाँ, तो ये तो मैंने पहले ही डिफरेंशिएट कर दिया, अरे सॉरी, यहां क्या हुआ साइन टी का डिफरेंशियल हो गया कॉस टी, अब मुझे इसका करना है, तो ये हो गया वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 मिनट, तो मैंने लिखा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डिफरेंशियल कर दें तो कितना आ गया 2x प्लस 0, अरे 0 तो 0 है, तो मैंने y डैश इज इक्वल टू लिख दिया 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5। अगर बाय द वे मुझसे यहां कोई गलती हो जाती ना तो आप तेजी से सीखेंगे क्योंकि आपको गलती तुरंत पता लगेगी, है ना। तो ऐसा आप पहले तो देख चुके हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन तो अब आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलो मैंने यहां पर एक पार्ट और देखा, वो ये देखा कि यार इस वाले पार्ट में मैं टी किसे मानू, तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें टी आप इसी को मान सकते, बाकी अकेले बेचारे कॉस को तो मान नहीं सकते, वो तो कॉस पूरा फंक्शन भी नहीं है, है ना। तो हमने इसे मान लिया टी, तो आप बोलेंगे कि वाई डैश इज इक्वल टू ये है कॉस टी, इसे मन में के हमने रख लिया है टी, तो कॉस टी का डिफरेंशियल होता है साइन, और टी मतलब कितना साइन एक्स, ठीक है। और डिफरेंशियल फिर किसका करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे टी का, यानी किसका डिफरेंशियल करेंगे साइन एक्स का, तो हमारे पास आंसर आया वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना बेटा कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाई लगा दो बस आंसर आ गया, छोटा सा पार्ट। हम ये समझ रहे हैं कि पहले पार्ट में हम टी किसे माने, ठीक है। जब दो फंक्शन होते हैं तब तो हमें इजी से पता लग जाता है, और तीन फंक्शन जब हो कभी हमारे पास में, एक फंक्शन उसने ज्यादा कर दिया तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो इस बार अपने पास में तीन फंक्शन दे रखे, ये 5.2 एक्सरसाइज का ही कोई सा क्वेश्चन है, तो ये वाले पार्ट को आप क्या मान लो, टी मान लो, क्योंकि सेक्टी हो जाएगा ना, सेक्टी हो जाएगा, और सेक्टी का डिफरेंशियल मैंने ऐसा देखा वाई डैश, तो सेक्टी का डिफरेंशियल हो जाएगा सेक्टी टेन टी, हाँ, तो सेक्टी टेन टी, अरे यार ये लिखने में पता चल मैं डायरेक्टली लिखू, ऐसा क्यों मानू कि आपको आएगा नहीं, है ना। तो सेक्टी का डिफरेंशियल ये टी है यार, तो अपन ने लिखा सेक टी मतलब क्या, टेन रूट एक्स, सही है ना, और टेन टी यानी टेन रूट एक्स, ठीक है ना। कभी कभी ज्यादा समझाने के चक्कर में वहां पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती, तो देखो सेक टी का डिफरेंशियल सेक टी टेन टी, और फिर इसका डिफरेंशियल करना है, तो चलो मैं इधर लिख देता हूं डिफरेंशियल ऑफ टेन रूट एक्स, ओहो, है ना, तो ये थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन हो गया, मतलब वो तो था तीन था, तो अपने को दो पार्ट का तो रखना ही पड़ेगा ना यार, तो हमने रखा, क्योंकि ये तो रख दिया, अब ये छोटा सा क्वेश्चन बना, तो इसमें टी किसे मानोगे, क्योंकि इसे ही मानेंगे और किसे मानेंगे, इसके अलावा तो किसी को मान भी नहीं सकते, तो मेरे पास में अगली स्टेप अगर मैं लिखूं, तो मैंने लिखा सेक टेन रूट एक्स, ये तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है उसे कैरी करना पड़ रहा है, ठीक है ना बेटा, तो ये ऐसा आ गया, और टेन टी का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर टी, और फिर टी का डिफरेंशियल किसका डिफरेंशियल बेटा, टी का डिफरेंशियल रूट एक्स का डिफरेंशियल, किसका रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल तो मैंने याद करवाया हुआ
है ना, तो क्या लिखूंगा, ये पार्ट जैसा का वैसा, ये भी, और रूट टी का डिफरेंशियल 1/2 √x, है ना, पूरा लिखता इतना समय जाता आप लोगों का, है ना, मैं तो लिख भी देता लेकिन आप लोगों का समझ ना जाए, है ना, थोड़े से पार्ट में अपन ज्यादा सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये पार्ट हमने देखा, sec t, तो sec t का डिफरेंशियल sec t tan t, और फिर t का डिफरेंशियल करा, तो t में दो पार्ट थे यानी दो फंक्शन थे, तो उन्हें अलग अलग करा, उसमें भी हमें एक t मानना पड़ा, तो tan t का डिफरेंशियल sec स्क्वायर t, जिसे हमने t एज्यूम करा, और फिर t का डिफरेंशियल हमने, ठीक है। तो ये कोई बहुत आप करेंगे कुछ समय बाद आपको ऐसे ही कर देंगे, आप टीवी मन में सोचेंगे और फटाफट मतलब वैसे ही लिख देंगे, आप इतना मानने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और है, वैसे इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था, क्या था, वाई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो मैंने यहाँ लिखा वाई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो पहले इसे कर देता हूं फिर इसे हटा देंगे। हाँ तो आप जानते हो, आप अब तो आप मुझे समझाने लग जाओगे, क्योंकि भाई साहब इसे आप है ना रूट एक्स मान लो, रूट एक्स को टी मान लो, और क्योंकि उसका डिफरेंशियल क्या, क्योंकि कॉस टी का डिफरेंशियल आता नहीं है क्या, माइनस साइन टी, हाँ, और फिर डिफरेंशियल किसका करता है, डिफरेंशियल क्योंकि आप कर दो किसका, रूट एक्स का, क्योंकि इतना नहीं आता है, आप लिखो साइन रूट एक्स, तो ये वैसे ही लिख दिया, इसको अगर लिखा तो 1/2 √x लिख दीजिए, क्योंकि ये रहा आंसर। हाँ यार वो तो छोटा ही था ना, उसको कौन सी बहुत बड़ी बड़ी बात है, आपने टी मान लीजिए, टी मान लीजिए, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होता है। हाँ पर क्या होता है, जब अपन ये सीखते हैं शुरू शुरू में तो बहुत कभी कभी अपन उलझ भी जाते हैं, है ना। देखो कैसे एक उलझने वाले क्वेश्चन वो बुक में हमें जानबूझ के देते हैं, अरे वो पता चले जो जिन्होंने बुक बनाई है वो जानते हैं ना कि ये बच्चा यहाँ आके ये वाला कॉन्सेप्ट इसे सिखाना जरूरी है ना, तभी तो एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक हो या आरडी हो उन्होंने चुन के डाला है ना, सिलेक्ट करके डाला है कमेटी ने, तो इसका मतलब क्या कि हर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, पक्की बात है, आप मान के चलिए इसे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे भी सिखा के जा रहा है क्या कि ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, और दोनों के बीच में लगा हुआ है मल्टीपल का साइन, ठीक है। तो जब हमने इसे करा तो ये बोलता है भैया फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा यानी कॉस एक्स क्यूब जैसा का वैसा डिफरेंशियल ऑफ किसका, तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप लोगों ने ध्यान देना कि मैंने लिखा इसे साइन एक्स टू द पावर 5 और उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने बाहर रख दिया, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे आने वाले समय में मैं इसे क्या मान लूंगा, टी मानने वाला, तो जब स्क्वायर साइन स्क्वायर हो ना तो स्क्वायर आप बाहर देख लिख लेना, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। फिर मैंने लगाया प्लस, फिर क्या हुआ, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 जैसा का वैसा डिफरेंशियल किसका करें बेटा, डिफरेंशियल करें कॉस एक्स क्यूब का, ठीक है। मैं अच्छा इधर से ही करता हूं, मेरा मन ऐसा बोल रहा था कि मैं है ना इसको पहले डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि आपके मन में आ गया होगा कि यार एक्स क्यूब को टी मान लेंगे तो कॉस एक्स क्यूब का आ जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स क्यूब का 3x² आ जाए, वो आप लोगों के मन में हो गया होगा, इसलिए मेरा ऐसा सोचना पड़ रहा था, पर चलो जाने दो, मैंने करा कॉस एक्स क्यूब। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके मन में चल रहा होगा कि इसे टी मान दे, मान नहीं पड़ेगा, है ना, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसे टी माना, ये हो गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हुआ बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ 2t, t मतलब कितना, साइन एक्स टू द पावर 5, और फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, t का मतलब कितना, साइन एक्स टू द पावर 5 का करने वाले हैं अभी, है ना, क्योंकि वो पार्ट आने वाला है, और जैसे इसको कर रहे हैं वैसा इस पार्ट को भी कर देंगे। चलो तो मैंने लिखा इसे, इस पार्ट को लिखा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और मैंने जैसा बोला था कि आप लोग समझ गए होंगे कि सर इसमें इसको टी मानना है, ठीक है, तो इसे टी मानना है, तो आप इसे करोगे कॉस टी का डिफरेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस साइन
टी मतलब कितना एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का फिर टी का डिफरेंशियल करना पड़ेगा कितना थ्री, ओहो डिफरेंशियल पे अभी लिख दूं मैं, है ना, क्या लिख दूं, डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा एक्स क्यूब का, माइंड पहले से काम करता है ना, जो एक्स क्यूब है तो अपन ने पहले ही निकाल लिया थ्री एक्स स्क्वायर, तो वहां पे लिखने में आ रहा था थ्री एक्स, पर अपने एक स्टेप बाद लिख देंगे, है ना, चलिए ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ लिखा देखो वाई डैश, अब थोड़ा छोटा लिख देता हूँ यहाँ बेटा, उधर जगह थोड़ी कम है ना, मैंने कॉस एक्स क्यूब लिख दिया, टू साइन एक्स टू द पावर क्या लिख दिया फाइव लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा मत खींचो, क्योंकि कारण क्या है हमको समझ में आने लग गया, क्योंकि आप इसे क्या मानने वाले हो, एक्स टू द पावर फाइव को जो मानोगे वो आप मान लोगे टी, पक्की बात। तो आप क्योंकि इसका डायरेक्ट करो आप, तो क्या कि साइन एक्स टू द पावर फाइव का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर फाइव हो जाएगा, और एक्स टू द पावर फाइव का भी डिफरेंशियल कर दो, क्योंकि हमको भी आता है आपको भी आता है, तो फिर इसे दो भी स्टेप में क्यों करते हो, एक ही स्टेप में करो ना, तो मैंने एक में कर दिया ठीक है, उधर भी कर देते। उधर क्या था बेटा, उधर जो था वो था प्लस, क्या था प्लस, प्लस क्यों, कारण क्या है कि अच्छा एक्स टू द पावर फोर लगा, ये जो है ना माइनस साइन, ये मल्टीपल में है सब, तो ये मल्टीपल माइनस में मल्टीपल, तो माइनस यहां आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव, और फिर क्या आ गया साइन एक्स क्यूब, और क्योंकि सर ये तो पहले ही तुमने कर दिया था कितना थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब हमने करा क्या, नई चीज कुछ नहीं करी, इस बार उसने क्या थोड़ा सा हमें बड़ा क्वेश्चन दे दिया, क्या करा हम एक बार में सीख लेते थे वैसे, पर इस बार उसने बोला कि देखो इनको चेन रूल आता है क्या, चेन रूल तो आता ही है, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लीकेशन रूल आता है क्या, तो उसने दो पार्ट बना दिए, और हमने सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट पार्ट जैसा का वैसा दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा जैसा का वैसा पहले का डिफरेंशियल, और फिर डिफरेंशियल करने में क्या वही चेन रूल को थोड़ा सा हमने और फर्म किया, है ना, हमने और सीखने की कोशिश करी, तो हमें एक नया पार्ट उसने दे दिया था। मैं कुछ क्वेश्चंस और उठाता हूँ, है ना, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ से, और आप देखें उस क्वेश्चन को, मेरे पास में वो क्वेश्चन लॉग एक्स ऐसा कुछ दे रखा है, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, तो उसने दिया है एक क्वेश्चन और दिया है वाई इज इक्वल टू, हम समझते हैं, देखो अब जो है ना वो अब हमें चेन रूल उसने समझा दिया, अब अपने से वो चाहता है कि आप थोड़ा सा कुछ नया करो, है ना, मतलब आपको चेन रूल समझा दिया, इसके बाद में आप चेन रूल नई नई एप्लीकेशन पे लगाने की कोशिश करो। तो देखो उसने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इस बार मुझे समझ में आया कि भैया मुझे जो सिखाया था ना, मुझे तो यही सिखाया था कि लॉग टी का डिफरेंशियल मैं कर सकता हूं, लॉग टी का डिफरेंशियल कर सकता हूं, तो उसने क्या बोला कि इसे मनी मन क्या मान लो टी, है ना, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि टी इज इक्वल टू यहां पे पूरा लिखा, कहां इतना लिखना है, हाँ हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि सर आप है ना कुछ नहीं करने वाले हो, वाई डैश इज इक्वल टू इसे मानोगे लॉग टी, तो लॉग टी का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन टी, क्योंकि टी आपने जो माना है वो sec x प्लस tan x को माना है, ठीक है, तो उसको लिख दिया, फिर आप डिफरेंशियल कर दोगे किसका, तो क्योंकि sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल करोगे, और आपको पता है कि अगर एडिशन है तो दोनों का अलग अलग करना है ना, तो हमने देखा y dash is equal to, y dash is equal to वन अपॉन, यह आ गया sec x प्लस tan x, और फिर क्या रहा, फिर यह आ गया डिफरेंशियल, अच्छा इसका डिफरेंशियल करो sec x का, तो मुझे आता है आपको भी आता है sec x का डिफरेंशियल होता है sec x प्लस tan x, ना ना sec x tan x, sec x का डिफरेंशियल क्या आता है sec x tan x, हाँ, और tan x का डिफरेंशियल क्या आता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल क्या sec स्क्वायर, अच्छा एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने, वो ये कि जब अपन इसे कर रहे हैं तो इन दोनों में sec x जो है वो अपन कॉमन ले सकते हैं, तो मैं ले लूं क्या यहीं पर y dash is equal to sec x ले लेता हूं कॉमन, तो आप देखो कि यहां पर आ गया tan x और वहां sec स्क्वायर x है, तो वो आ गया sec x, डिवाइड में मेरे पास में क्या लिखा हुआ है बेटा sec x प्लस tan x,
कॉमोडिटिव रूल में sec x plus tan x नीचे भी तो sec x plus tan x लिखा हुआ है, दोनों कट गए तो कैंसल हो गए, y dash is equal to मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है sec x। हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे बता रहा है, सिखा रहा है, दिया नहीं है। वो तो क्या होगा कि जब अपन उलझेंगे नहीं जब तक, तब तक हम क्वेश्चन कहां से सीखेंगे, नई नई चीजें कहां से सीखेंगे, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन उसने देने ही देने हैं। तो हमें ये दिया दी, वैसे ये वाला क्वेश्चन तो क्या था, सिंपल था, और आप लोग इसे एक बार और देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। लॉग टी को फिर टी का डिफरेंशियल, मतलब ये हुआ कि वो हमसे चेन रूल बार बार करवा रहा है ना, चेन रूल अपने से करवाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास में एक आध क्वेश्चन हम और लेते हैं, ले एक आध क्वेश्चन और ले। तो चलो मेरे पास ये क्वेश्चन था, कहीं पर मुझे जगह मिल जाए तो वहां से अपन क्वेश्चन और उठाते हैं। चलिए तो मेरे पास में आया यहां से मैं इतना हटा देता हूँ यार। हाँ अपने पास में अभी इस बोर्ड को अपन क्या कर देते, रफ कर देते। मेरा ऐसा मन था कि लास्ट में जाके आपको सारे पार्ट एक साथ दिखा दूं, पर उसका मीनिंग नहीं निकलता है क्योंकि आपको आ गए होंगे ये क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और बढ़िया दिया उसने बोला y is equal to e to the power x into sin x दे। ओहो यानी इसने फिर नया कुछ पार्ट दिया, हमें सिखाने की कोशिश करी। जब भी कोई उल्टा सीधा पार्ट आए जहां पर आपको लगे कि ये क्वेश्चन नया हो गया, तो मान के चलो कि हमको बुक वाला कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका हो गया y डैश डिफरेंशियल करें ना, डिफरेंशियल कर दें तो आपको पता है कि इसको क्या मानूंगा, मैं t मानूंगा, पक्की बात। तो t माना तो e टू द पावर t का डिफरेंशियल क्या होगा, e टू द पावर t, और फिर किसका डिफरेंशियल कर दे बेटा, t का, t मतलब कितना, x इंटू साइन x। ठीक है जब हमने ऐसा लिखा तो ये हो गया y डैश है ना, e x इंटू साइन x, वो तो जैसा का वैसा ही रहा, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशियल करें तो आप देख रहे हो कि ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, x अलग है, साइन x अलग है, एक के साथ एक नहीं है। तो हमने इसका क्या करा, डिफरेंशियल, और आपको पता है प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट जैसा का वैसा। साइन x का डिफरेंशियल जो हुआ वो हुआ cos x प्लस साइन x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा पार्ट। हम लोग इसको अगर देखें तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसने हमें सॉल्व करने को दे रखा था। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूं, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूं जो इसने थोड़ा सा हमें अच्छे से सॉल्व करने को दे रखा है। तो मैंने उस क्वेश्चन को भी निकालते हैं, कोई एक आध जगह पे छोटा पार्ट होगा तो उसे हटा देंगे, जैसे ये वाला पार्ट है ना। तो हम यहां से लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब उसने बनाया है, और अगर हम लोग सीख लें तो बेटर है। देखो एक क्वेश्चन उसने और हमें देने की कोशिश करी, अगली बार जब मैं आऊंगा तो एक्सरसाइज के हिसाब से आपको क्वेश्चन, ये पार्ट पूरा जो था आज का वो ये था कि आप चेन रूल अच्छे से समझो, है ना। तो चेन रूल पे पार्ट था आपको, अगर चेन रूल समझ में आ गया फिर तो 50 क्वेश्चन है, अपन कुछ भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो मैं है ना ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं चेन रूल पे, है ना। अपने को आता है या नहीं आता वो हम लोग देखते हैं। तो हमने ऐसा समझा कि y is equal to अपने को दिया हुआ है log, क्या दिया बेटा, x plus under root a square plus x square, ऐसा हमें एक क्वेश्चन दिया। और उसने हमसे बोला है कि यार इसको आप सॉल्व कर दें तो आपको हम ऐसा मान लेंगे कि चेन रूल आप समझ गए। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप इसको वीडियो को रोक के खुद सॉल्व कर दें तो आपने समझना कि आपको आ गया, हाँ। और थोड़ा सा इवेल्युएट लास्ट तक कर रहा, थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी। चलो मैंने लिखा यार y डैश है ना, आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है। टी किसे मानेंगे, क्योंकि ये लो टी, तो लॉग टी का डिफरेंशियल, क्योंकि लॉग टी का डिफरेंशियल होगा 1/t, मतलब x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया लॉग टी का डिफरेंशियल। फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, तो क्योंकि टी का करेंगे, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा y डैश इज इक्वल टू ये जो आया 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ और डिफरेंशियल करेगा तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1, x का डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसे मानेंगे टी मानेंगे ना, और रूट टी का डिफरेंशियल कितना आएगा, रूट टी का जो डिफरेंशियल आएगा वो 1/2√t, टी मतलब कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 क्योंकि टी का भी करेंगे ना, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 2x, कितना आ गया 2x, x से ये 2 से 2 क्या कर दिया कैंसल। अगर आप समझते हो तो एक लाइन और मैं यहां पे करता हूं और लिखता हूं ये 1/√a² + x² देखना ध्यान से क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये एलसीएम ले लिया और आपको पता है कि दोनों का मल्टीपल एलसीएम हो तो इसका मल्टीप्लाई इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या आ गया बेटा एक्स आ गया। अगर आप नोटिस अच्छे से कर रहे हो, आपका ध्यान पूरा अगर वीडियो पे है तो आप देखोगे ये वाला पार्ट एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू होने के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर का पार्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा कैंसल, तो इसे मैंने कैंसल कर दिया और मेरा आंसर आ गया y डैश इज इक्वल टू 1/√a² + x², ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट मैंने समझाने की आपको कोशिश करी थी। एक चीज और मेरी बात आखिरी में सुन लो, अच्छा ये पार्ट जब आपके पास में आप इसे क्लब करके देखना, एक साथ ही देखना पूरे पार्ट को एक साथ, तो आपको चेन रूल समझ में आ जाएगा, चेन रूल पूरा समझ में आ जाए, नहीं हो तो दोबारा देख लीजिए। अच्छा आपका कोई फ्रेंड है ट्वेल्थ से जिसे पता चले बोले चेन रूल यार जिसके बेसिक अपने को समझ में नहीं आते, तो आप उसे इसको शेयर कर दीजिए, ये लिंक को शेयर कर दीजिए, वो देख ले। मुझे लगता नहीं है कि यार इसमें कोई ऐसा मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है जो बड़ा टफ करके पढ़ाया, बड़ा इजी तरीके से, मैंने तो टी माना ही नहीं, मैंने तो वहीं पे आपको सर्कल बना के टी बनाना बता दिया है ना, तो आप अगर छोटा सा पार्ट कर लेते हैं तो बेटर है ना। तो अब इतनी देर तक आप मेरे साथ में रहे तो थैंक्स तो बनता ही है ना भाई, चलो ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आज का सेशन चेन रूल का हम यहीं कंप्लीट करते हैं।